अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब है तुम्हारा कुछ ना कुछ बैकलॉग तो बन गया है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, इसको लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी जरूर है। हाई, आई एम सौविक फ्रॉम वेस्ट बंगाल। आई हैव क्रैक नीट 2021 विथ 614 मार्क्स एंड ऑल इंडिया रैंक 13,350। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू सम प्रोसेस हाउ यू कैन कवर योर बैकलॉग। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो देखो, बैकलॉग है तो इसको लेकर परेशान मत हो। तो तुम अब बैकलॉग है तुम, ये तुमको समझ आ गया, तो इसके ऊपर तुमको स्टेप लेना है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को ये समझ ही नहीं आता है कि उसको बैकलॉग है, तो वो क्या करते हैं, रिवीजन के टाइम पे उसको पता चलता है कि हाँ हमारा बैकलॉग तो हो गया, अब इसको कवर करना है। तो तुमको पहले ही पता चल गया, सिलेबस एंड होने के पहले पता चल गया, एग्जाम के पहले पता चल गया, तो ये बहुत अच्छी बात है, तुमने स्टेप लेने के लिए सोच लिया है। ठीक है, तो इसको लेकर परेशान मत हो, अभी तक टाइम है, तुम्हारा हो सकता है। तो देखो, पहला तुमको क्या करना है, मेक प्रेजेंट इज मोर इम्पोर्टेंट देन द बैकलॉग। तुमको क्या करना है, प्रेजेंट को मोर इम्पोर्टेंट देना है। ठीक है, अभी जो चल रहा है उसको और बैकलॉग में जाने मत दो। तो हो सकता है तुम्हारा बैकलॉग तुम्हारा वजह से ही हुआ होगा कि तुमने ज़्यादा कुछ देर इधर उधर कर दिया, पढ़ाई नहीं किया, तो हो सकता है इसके और कोई रीज़न, फैमिली रीज़न या कोई हेल्थ इशू हो सकता है इसके लिए हो सकता है। जो भी रीज़न होगा उसको छोड़ दो, उसको लेकर डिप्रेस मत हो, परेशान मत हो, अभी जो चल रहा है करेंट में उसको पहले ख़त्म कर। तो इसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम क्या होता है, सपोज तुम्हारा रोटेशनल मोशन चल रहा है, तो रोटेशनल मोशन चल रहा है तो तुमको सर्कुलर मोशन तो आना चाहिए, तो कनेक्टेड जो चैप्टर है उसको तो आना चाहिए। ऐसा जब तुम्हारा इंटर कनेक्टेड जब चैप्टर आएगा तो तुमको क्या करना है, पहले देखो, सपोज तुम्हारा रोटेशनल मोशन चल रहा है तो रोटेशनल मोशन के लिए तुमको सर्कुलर मोशन चाहिए। तो सर्कुलर मोशन अगर तुम्हारा हो गया तो ठीक है, तुम रोटेशनल मोशन कर लो। अगर नहीं हुआ तो तुम क्या कर सकते हो, अगर तुमको ईजी लगा तो तुम खुद भी एक बार टीचर्स के नोट्स से पढ़ लो, उसके बाद उसको कवर कर। चैप्टर को वन शॉट वीडियो कोई ना कोई अच्छे टीचर बुक ने बनाया रखा है, तुम उसको देख लो, उससे तुम्हारा उस चैप्टर का जो छोटा मोटा पॉइंट होगा, फॉर्मूला होगा, तुमको याद रह गया। ठीक है, तो उसके बाद तुम क्या करो, रोटेशनल मोशन वाला चैप्टर ऐसा टाइप का तुम्हारा जो मेन बैकलॉग है उसके साथ चलो। ठीक है, तो करेंट को और बैकलॉग में जाने मत दो, बैकलॉग को इससे कवर करो। ठीक है, तो उसके बाद क्या आते हैं, उसके बाद रिविजन। देखो, अगर तुम्हारा बैकलॉग हो गया तो बैकलॉग हो गया इसका मतलब क्या है, तुम्हारा जो सिलेबस एंड होगा उसमें टाइम लगेगा। तो तुमने सपोज सोच लिया था कि एग्जाम के 3 मंथ पहले तुमने सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे तुम, उसके बाद तुम रिवीजन करोगे। तो अगर तुम्हारा बैकलॉग है तो तुम लास्ट में तो 3 मंथ टाइम तुमको नहीं मिलने वाला। तो अभी से तुमको क्या करना है, अभी से तुमको सिलेबस के साथ साथ रिवीजन भी करते रहना। ठीक है, तो अभी से तुम रिवीजन नहीं करोगे तो लास्ट में तुमको तो लेस टाइम मिलेगा ना। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तुमको सिलेबस तो सभी लोग खत्म कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मेन मार्क्स जो इम्प्रूव करते हैं वो है तुम्हारा रिवीजन। तुमने अगर हर एक चैप्टर का एटलीस्ट 5 to 6 टाइम रिवीजन चाहिए तो ये तुमको ध्यान रखना है। तो अभी से तुम करेंट के साथ जो बैकलॉग चल रहे उस बैकलॉग को भी थोड़ा थोड़ा रिवीजन के अंदर डालो। तो वीक में एक दिन जो बैकलॉग में पूरा किया उसको रिवीजन कर लो, और जो करेंट में चल रहा है उसको भी थोड़ा थोड़ा रिवीजन में देखते रहो, क्योंकि तुम्हारा एंड में कम टाइम मिलने वाला। अगर तुम्हारा अभी तक सिलेबस कुछ छूटा हुआ है तो उसके साथ तुम्हारा रिवीजन के टाइम कम मिलेगा लास्ट में। तो अभी से तुमको रिवीजन पर ध्यान देना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है तुम पहले लिस्ट बनाओ कि हाँ मेरा ये चैप्टर का बैकलॉग है। तो बैकलॉग में सपोज फिजिक्स का तुम्हारा 4 चैप्टर बैकलॉग है, केमिस्ट्री का 6 एंड बायो का 3। तो तुमको इससे क्या करना है, इसके अंदर तुम पहले फिजिक्स में देखो तुम्हारा किस चैप्टर पर इंटरेस्ट ज्यादा है और चैप्टर इजी है। ठीक है, और केमिस्ट्री में भी तुमको देखना है कि कौन सा चैप्टर इजी है एंड कौन सा चैप्टर पर तुम्हारा इंटरेस्ट ज्यादा है, और बायो में भी ऐसा। तो वो 3 चैप्टर को पहले खत्म कर लो। ठीक है, अगर तुम पहले ही तुमसे जो तुमको हार्ड लग जाए वो चैप्टर उठाओगे तो तुम्हारा हो सकता है डिप्रेस हो जाओ या फिर टेंशन में आ जाओ। ठीक है, कॉन्फिडेंस डाउन हो सकता है। तो इसीलिए पहले जो इजी चैप्टर है उसको खत्म टच करो। तो जब वो खत्म हो जाएगा तब तुमको लगेगा कि तुम्हारा फील ऐसा आएगा कि हाँ मेरा बैकलॉग खत्म हो रहा है। अगर तुम पहले ऑप्टिक्स उठा लिया तो ऑप्टिक्स में टाइम लगेगा, तो तुमको ऐसा लगेगा कि ऑप्टिक्स मुझे नहीं हो रहा है, बैकलॉग मेरा खत्म नहीं हो रहा है, तुम्हारा बुरा फीलिंग आएगा। ऐसा नहीं करना, पहले ये करो, उसके बाद तुमको क्या करना है, उसके बाद तुम देख लो कि कौन सा चैप्टर का वेटेज ज्यादा है एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पे। ठीक है, क्या कितना क्वेश्चन आता है ऐसे तुम देख लो, फिर वो चैप्टर को खत्म करो। ठीक है, ऐसे बैकलॉग को पहले इंटरेस्टेड वाला चैप्टर खत्म करो, उसके बाद जिस चैप्टर का वेटेज ज्यादा है उसको खत्म करो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, देखो पहले हम क्या करते हैं, जो करंट में जब हम
सिलेबस कंप्लीट करते हैं तब के हम क्या करते हैं, पहले थ्योरी पढ़ते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम जो मॉड्यूल्स में क्वेश्चन दिया है उसको करते हैं, उसके बाद हम पीवाईक्यू को करते हैं। लेकिन अगर तुम जो बैकलॉग वाला चैप्टर है उसमें भी ऐसे करोगे तो क्या होगा, हो सकता है तुम्हारा थ्योरी हो गया उसके बाद तुम मॉड्यूल्स के क्वेश्चन में आ गया, तो मॉड्यूल्स में क्या होता है बहुत ज्यादा क्वेश्चन दिया होता है, तो अगर तुम मॉड्यूल्स का क्वेश्चन करते करते तुम्हारा टाइम ज्यादा लग गया तो हो सकता है तुम पीओआईक्यू छोड़ दो। तो ये नहीं करना, जब तुम बैकलॉग वाला चैप्टर करोगे तो पहले थ्योरी करना है, फिर पीओआईक्यू, फिर मॉड्यूल्स के क्वेश्चन के लिए टाइम बच गया तो कर लेना, नहीं भी है टाइम तो ऐसा कोई बात नहीं, पीओआईक्यू और थ्योरी अच्छे से कर ले तो हो जाएगा। तो ये पहले कर लो और मॉड्यूल्स के लिए टाइम बच जाएगा तो मॉड्यूल्स के टाइम कर लेना, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं करना कि सारे चैप्टर जैसे करते हो ऐसे करना, ठीक है। बट क्या है, देखो पूरा वीक में, ऐसा नहीं कि एक दिन से बैकलॉग, ऐसा नहीं, पूरा वीक में 1 से 2 आवर पूरा हर दिन तुमको टाइम देना है। अगर तुम हर डे 2 आवर करके टाइम दोगे तो क्या होगा, 7 डेज में तुम्हारा 14 आवर टाइम निकल आएगा। तो ऐसे अगर तुम 1 मंथ को देखोगे, 1 मंथ में क्या होगा, 4 वीक्स होता है, 4 वीक्स × 14 तो 56 आवर टाइम तुमको मिल जाएगा। तो इससे तुम्हारा आराम से बैकलॉग कवर हो सकता है। इसको लेकर पैनिक मत हो, मैंने गोपी के जो टिप्स दिया था वहाँ पर मैंने बताया था कि अगर तुम्हारा कुछ प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम को बर्डन बना के शेर के ऊपर मत रखो, कि उससे क्या होगा वही बर्डन के वेट में तुम नीचे दब जाओगे, ऐसा नहीं करना। उस जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम को तुम एक एक करके तुम्हारे सामने स्टेप्स की तरह रखते जाओ और उसके ऊपर पैर रख के ऊपर उठते जाओ, ठीक है। ऐसे ही करना है, बैकलॉग को पहले चैप्टर वाइज तुम लिस्ट बनाओ, उसको लिस्ट को एक एक करके खत्म करो, और प्रेजेंट बैच जो चैप्टर चल रहा है उसको बैकलॉग में मत जाने दो, और पहले थ्योरी, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद पीवाईक्यू, उसके बाद टाइम मिले तो मॉड्यूल, और थोड़ा थोड़ा रिविजन करते रहो। और इस वीडियो के बाद और बैकलॉग कैसे कवर करता है इसके लिए कोई और वीडियो पे मत चले जाना, मेक श्योर दैट ये वीडियो तुम्हारा बैकलॉग के लिए जो स्ट्रेटेजी तुमको चाहिए ये लास्ट वीडियो होना चाहिए, अभी से तुम स्टेप लेना शुरू करो। ऐसे तुमको वीडियो पे अगर तुम बैकलॉग कवर करने में तुमको जितना टाइम देना चाहिए उससे ज्यादा अगर तुम यूट्यूब वीडियो पर दे रहे हो तो तुम्हारा बैकलॉग कभी नहीं खत्म होगा, ठीक है। तो अगर तुम अभी से स्टेप लेना स्टार्ट करोगे तभी तुम्हारा कुछ हो पाएगा, नहीं तो वीडियो ही देखते रहोगे, फिर एग्जाम आएगा, एग्जाम पर भी तुम बैकलॉग लेके ही एग्जाम में बैठ, थोड़ा बहुत टाइम इंक्रीज करो। अभी तुमको हर रोज 12 आवर से ज्यादा पढ़ाई करना है, नहीं हो रहा है तो इंक्रीज करो टाइम को, ये पॉइंट को फॉलो करते रहो। अगर ये वीडियो तुमको थोड़ा सा भी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। पढ़ाई करते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।